पेज नंबर 20, चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट. थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने जो मैनेजमेंट के लिए थियरीज और अपने थॉट्स प्रेजेंट किए हैं, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पॉइंट. फर्स्ट इज थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी. नाउ स्टूडेंट्स, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द थॉट्स विच आर प्रेजेंटेड टिल दैट टाइम, ओके, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो भी मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट कंसेप्ट्स, मैनेजमेंट थियरीज प्रेजेंट हुई, we call them classical theory. That means old thoughts. Like you watch classical movies, old movies. In the same way, classical theory means classical thoughts which are presented till the end of 19th century. Main promoter of these thoughts are Frederick Taylor, Max Weber, Gilbert, Henry Gedge and Henry Fayole. But aap zyada jo padhoge is chapter mein, फ्रेडरिक टेलर एंड हेनरी फ्योल, इन दो के प्रिंसिपल्स, इनकी थियरी पे इस चैप्टर में ज़्यादा एम्फेसाइज दिया हुआ है. सो फ्रेडरिक टेलर्स कंट्रीब्यूशन इन द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, क्लासिकल थियरी में मेन कंसेप्ट किसका दिया हुआ है? प्रेजेंटेड बाय फ्रेडरिक टेलर. एंड इवन टूडे हिज कंसेप्ट, हिज प्रिंसिपल्स आर पॉपुलर. The main thing is given is scientific management. Okay, जो हम डिटेल में बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल प्रेजेंट किया. प्लस उसने प्रोग्रेसिव वेजेस सिस्टम, स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, इन चीज़ों के बारे में भी बात की. और हेनरी फ्योल जो है उसका कंट्रीब्यूशन भी क्लासिकल थियरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Okay, so contribution of Henry Fayole in thoughts of classical theory is important. Ek Taylor aur ek Fayole. Theek hai, to Henry Fayole ne bhi kuch principles of management present kiye hain. He decided that levels of different tasks in business unit, and he tried to decide limits of tasks. Usne alag alag level pe कैसे काम करना ये समझाया है. और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एज अ जनरल गाइडलाइंस उसने कुछ प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए हैं. प्लस मैक्स वेबर ने भी क्लासिकल थियरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सो इन शॉर्ट, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी फॉर्मेट एंड साइज ऑफ बिजनेस चेंज्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ओके, टिल द आफ्टर एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, तो इन क्लासिकल थियरी में भी कुछ लिमिटेशंस आने लगी. तो बहुत ज़रूरत पड़ी कि अब न्यू थियरी आए. ओके, दैट्स व्हाई द न्यू थॉट्स केम इन एक्सिस्टेंस, थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी. गॉट इट? और इसमें जो है, वी कैन से इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ये थॉट्स आए. Psychologist Elton Myro, he is Australian industrialist, he gave this concept, means new thoughts, neoclassical theory. उसमें ध्यान दिया गया employees के behavior पे, group behavior for management में ध्यान दिया गया. Okay, so उसमें और कुछ चीज़ें इन thoughts में आई, जैसे informal organization, human behavior, human relations, inspiration, ऐसी काफ़ी चीज़ों को ध्यान दिया गया कि human beings are not machine. तो मैनेजमेंट कंसेप्ट्स और थियरीज में, न्यू क्लासिकल थियरी में इस चीज़ पे ध्यान दिया गया कि वर्कर्स, ह्यूमंस का बिहेवियर को ध्यान दिया जाए, उसको ध्यान में रख के काम किया जाए. यानी ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रख के न्यू क्लासिकल थियरी के थॉट्स प्रेजेंट हुए. गॉट इट? जैसे 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 टाइम होता गया, प्रोग्रेस होती गई, चेंजेस होते गए और नए नए थॉट्स, नई नई थियरी मैनेजमेंट में आते गए. सो नेक्स्ट इज थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड. एज यू नो स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. ओके, एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस? नॉट योर मशीन्स बट योर स्टाफ, योर एम्प्लॉयज. उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स, उनका अपना बिहेवियर है, ह्यूमन रिलेशंस हैं. तो उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है
कि एक वर्कर जब ऑफिस में काम करता है तो उसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और डे बाय डे उसके काम करने की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, तो उसको साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक मशीन की तरह एक एम्प्लॉय को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सो कंसेप्ट्स लाइक ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सुलझाना, ये सब बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स आए जिन्हों में साइकोलॉजिकल अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर क्या होने लगा, एम्प्लॉयज की सोच, उनकी समझ, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनको काम करना अच्छा लगे, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। तो एम्प्लॉयज को काम का सेटिस्फेक्शन मिले तो इसमें क्या होने लगा, इकोनॉमिक पैरामीटर्स निग्लेक्ट होने लगे, पूरा ध्यान ह्यूमन बिहेवियर पे जाने लगा। सो ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान देते देते इकोनॉमिक पैरामीटर निग्लेक्ट होने लगा। सो उसमें क्या होने लगा कि एक लिमिटेशन आने लगी, दैट्स व्हाई अ न्यू थॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और बिजनेस ग्रो करते गए वैसे वैसे अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट थॉट्स भी चेंज होते गए। सो एज अ रिजल्ट अ स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट came into the existence. Okay, as management is not confining to only one business unit, special professional class of managers were emerged. और अब new जो thoughts हैं, modern management के thoughts हैं, उसमें psychology, social studies, statistics, mathematics and computer and information technology, इनके भी thoughts को combined किया गया। Okay, तो एक अलग special professional class of managers मॉडर्न मैनेजमेंट में ज़रूरत पड़ने लगी और जिसमें इन सारे सब्जेक्ट्स को कम्बाइंड किया गया। एंड सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स लाइक कून्स, ओ'डोनेल, जॉर्ज टेरी, दे कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट। पीटर ड्रकर, विलियम सी के प्रहलाद, इन सब ने इन मॉडर्न मैनेजमेंट के थॉट्स में कंट्रीब्यूट किया जो आज की इंडस्ट्रीज और आज के सिनेरियो के हिसाब से मैनेजमेंट कैसे करना उसके बारे में उन्होंने न्यू थॉट्स प्रेजेंट किए हैं। So we started from thoughts of classical theory which presented till the end of 19th century. Then in the beginning of 20th century, neoclassical theory thoughts were presented. Isi ki continuity mein thoughts of behavior related came into existence. But nowadays after 1960, jaise industrial revolution hota gaya, jaise industrial atmosphere change hota gaya, so thoughts of modern management came into existence. जिसमें मॉडर्न टाइम में कैसे मैनेजमेंट करना उसके बारे में जनरल गाइडलाइंस एंड थियोरीज आर प्रेजेंटेड। ओके,